मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक बोहरा ने भाजपा प्रत्याशी सांसद रतनलाल कटारिया का अंबाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने पुराने सांसद रतनलाल कटारिया को मैदान में उतारा है। हाई कमान द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद कटारिया ने चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। इन चुनावी दौरों के साथ कटारिया हर विधानसभा क्षेत्र में पत्रा प्रमुख सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक आयोजित कर रहे हैं। अंबाला शहर में सबसे पहला पत्रा सम्मेलन सेक्टर 8 हाउसिंग बोर्ड में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया। कि मोदी जी के हाथ में आपके हक सुरक्षित हैं, कहा जाता है कि एक बार एक जहाज हवाई दिल्ली अड्डे पर थोड़ा गड़बड़ा गया, एक लड़की आराम से बैठी हुई किताब पढ़ती रही, सारे यात्री कहने लगे यार हमारी जान जा रही है। और ये यात्रियों ने कहा कि बेटे उल्टा हो गया था और तुम आराम से किताब पढ़ती रही, तुम्हें डर नहीं लगा? तो उस लड़की ने कहा कि अंकल मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे विश्वास था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि इस जहाज को मेरा पापा चला रहा है और जब तक स्टीयरिंग मेरे पापा के हाथ में है इस जहाज का कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जब तक भारत का स्टीयरिंग नरेंद्र मोदी के हाथ में है दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती।